जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके मोदी जी विपक्ष के लोगों को मिलावटी और महामिलावटी कहते हैं, 36 दलों का उनका गठबंधन है वो मिलावटी नहीं है, 3 दलों का गठबंधन है वो मिलावटी है। चुनाव में इस तरह की बातें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं। तो बहन मायावती जी ने कहा है कि अली भी हमारे हैं, बजरंग बली भी हमारे हैं, तो सही कहा है। सियासत बिल्कुल नहीं उलट पलट गई है, सियासत सीधे रास्ते पर जा रही है, सीधे रास्ते पर जा रही है जी। और आजमगढ़ में जो गठबंधन के उम्मीदवार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं, उनके मुकाबले में कोई है नहीं। नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अखिलेश यादव जी, जो पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के। मौका भी है, दस्तूर भी है, आजकल राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है, खास करके आजमगढ़ की सीट को लेकर के। 18 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी आ रहे हैं अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। और अभी कल ही हाल ही में 2 दिन पहले जो भाजपा के पूर्वांचल के कद्दावर नेता थे, पूर्व सांसद रमाकांत यादव, उन्होंने भी भाजपा को छोड़ दिया है। और खुले मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुले मंच से उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को जिताना है और अखिलेश यादव के सामने कोई टिक नहीं सकता, ऐसा रमाकांत यादव का कहना है। तो सियासत पूरी तरह से उलट पुलट चुकी है, आपका स्वागत है, क्या सोचते हैं इसके बारे? सियासत बिल्कुल नहीं उलट पलट गई है, सियासत सीधे रास्ते पर जा रही है, सीधे रास्ते पर जा रही है जी। और आजमगढ़ में जो गठबंधन के उम्मीदवार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं, उनके मुकाबले में कोई है नहीं। अब चुनाव है, उम्मीदवार है भाजपा का, तो चुनाव तो लड़ना ही है। नहीं, आपको कैसा लगता है जब कोई एक व्यक्ति राजनीति का एक कद्दावर व्यक्ति कहे कि मैं अखिलेश यादव को चुनौती दूंगा, और उसे एक तरह से उम्मीदवार के तौर पे देखा जा रहा था एक समय में कि अखिलेश यादव को अगर कोई पूर्वांचल में चुनौती दे सकता है या आजमगढ़ में दे सकता है तो वो रमाकांत यादव है, और रमाकांत यादव खुद से कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को वोट दीजिए, मैं अपने समर्थकों से कहूंगा कि वोट दीजिए, कैसा लगता है उस पल में? अच्छा लगता है, रमाकांत जी ने सच्चाई को कबूल किया है और कई बार सांसद रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वक्त की नज़ाकत को समझते हैं, और उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सपोर्ट किया है तो हम उनका मुक्त कंठ से सराहना करते हैं। अच्छा लग रहा है कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया। बाकी 18 तारीख को अखिलेश यादव जी नामांकन करने आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं आप लोगों? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नामांकन करने आ रहे हैं 18 तारीख को। नामांकन के बाद हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक बैठौली है, गांव है, उसके बगल में पेट्रोल पंप है, उसी के पीछे एक मैदान है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जनसभा होने वाली है। नामांकन के बाद सीधे हो जाएंगे जनसभा में, और जनसभा के बाद वो वापस चले जाएंगे लखनऊ। जनसभा की तैयारियां चल रही हैं, इस दरमियान हम लोगों ने उनके चुनाव के सिलसिले में जो तैयारी का अपना तैयार किया था तो सारे कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं। अब हमारे सामने उनकी जनसभा को सफल बनाने का मामला है, और उसके बाद से फिर हम लोग से संपर्क में लग जाएंगे। कहा यह जा रहा था कि दिनेश लाल यादव ने जो फैसला लिया है, भाजपा ने कैंडिडेट बनाया है, अखिलेश यादव के सामने कहीं टिक नहीं पाएंगे। एक वक्त था, लग रहा था कि कुछ चुनौती आएगी, लेकिन अचानक से रमाकांत यादव ने जब भाजपा को छोड़ दिया, अखिलेश को जिताने का उन्होंने अपील कर दिया जनता से, क्या सोचते हैं कि कुछ लाभ मिलेगा इससे? सिर्फ रमाकांत जी ही नहीं, आजमगढ़ जनपद के ही तमाम बुद्धिजीवी लोग और सम्मानित लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आपने देखा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे आईपी सिंह साहब, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सपोर्ट किया। रमाकांत जी ने भी उत्साहजनक बात कही। इस तरह से तमाम लोग हैं जो ये जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आजमगढ़ जनपद में बहुत विकास का काम किया है और उनकी जीत भी सुनिश्चित है, तो एक सम्मानजनक जीत दिलाने के लिए सब लोग हम लोगों के सहयोग में आ रहे हैं, सबका स्वागत है, अच्छी बात है। आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जब से दिनेश लाल यादव आजमगढ़ में उतरे हैं, लगातार जनसभाएं, रोड शो, जनसैलाब पूरी तरह से उमड़ रहा है उनके जनसभाओं में, रोड शो में। एक कहावत है जैसे भोजपुरी में सरसों छींटने भर की जगह नहीं बच रही है, क्या सोचते हैं उस जनसैलाब को देख के? कहीं मन में खौफ या हार जाने का खतरा या टक्कर कड़ी मिलने की कुछ ऐसी चीज़ें, संभावनाएं नजर आती हैं आपको? जब से उन्होंने रोड शो शुरू किया है तो उनके सामने बाधाएं भी लगातार आ रही हैं,
जो लोग भी सड़कों पर उन्हें दिखाई दे रहे हैं वो उनके मतदाता नहीं हैं, कौतूहल बस। और चूंकि वह एक सिनेमाई कलाकार है और इतनी बड़ी उसने हिम्मत जुटाई है तो उसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं और साथ ही साथ उसे घेर करके अपनी बात कहने के लिए आ रहे हैं कि तुम बहुत बड़ी गलती की हो, तुम्हें माननीय अखिलेश यादव जी के मुकाबले में नहीं खड़ा होना चाहिए था, आना तुम्हें भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए था। आपने देखा कि जब से उन्होंने रोड शो किया है तरवा के पास महिलाओं ने घेर करके उनसे सवाल दागा कि तुम कहाँ इधर दिखाई दे गए। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि दिनेश लाल यादव की फिजा खराब करने के लिए समाजवादी पार्टी की वो चाल थी, उनकी समर्थित महिलाएं थी, उनको समझा बुझा कर ऐसा भेजा गया था ताकि व्यवधान उत्पन्न किया जा सके। कम से कम समाजवादी पार्टी के बारे में लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आजमगढ़ जनपद में समाजवादी पार्टी का बड़ा आधार है और जहाँ कहीं भी कोई जाएगा तो उसको समाजवादी ही मिलेंगे। तो आखिर ये सबसे मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ, क्या वजह है, क्या एक नेता के सामने एक अभिनेता नहीं चुनाव लड़ सकता, क्या संविधान ने उसको अधिकार नहीं दिए हैं, समस्या क्या है? भारत लोकतांत्रिक देश है, सभी लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव लड़ने का अधिकार है और बिना मुकाबले के चुनाव का मतलब क्या होता है। लेकिन निरहुआ से चूंकि वह सियासी जगत का आदमी था ही नहीं, वो राजनीतिक बयान तो निरहुआ बहुत ही शानदार दे रहे हैं, बयान जानदार तरीके से अपनी बातों को, बयान अभी वो सीख रहा है और भारतीय जनता पार्टी के मास्टर लोग जो उसे समझा रहे हैं वो बयान देता है, उस तरह का बयान उसे नहीं देना चाहिए। और चूंकि वह राजनीतिक क्षेत्र का नहीं है, वह मनोरंजन के क्षेत्र का व्यक्ति है, अब तक वो सिनेमा में दिखाई देता था, नाच गाने में दिखाई देता। क्या मनोरंजन के क्षेत्र के व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक नहीं है? बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। लेकिन हम जो कह रहे हैं कि जनता यह महसूस कर रही है कि उसको अपने क्षेत्र में रहना चाहिए था, राजनीति में आकर के वो अभी सीधे सीधे अखिलेश यादव के मुकाबले में खड़े होने के लिए जनता आजमगढ़ की उससे आक्रोशित है। ये सीधा अखिलेश यादव के समक्ष उम्मीदवार के तौर पे आ गए, इस वजह से आक्रोश है? जी बिल्कुल, लोग सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता को मुकाबले में आना चाहिए था, या तो प्रधानमंत्री मोदी जी आए होते या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी आए होते तो लगता कि मुकाबले का बराबर का मुकाबला हो रहा है। यानी समाजवादी पार्टी या गठबंधन पहले दिन से मान के चल रहा है मुकाबला हल्का है? बिल्कुल मान के चल रहा है, आजमगढ़ की पूरी जनता मान के चल रही है, मुकाबला है ही नहीं, हल्का क्या है। निरहुआ का भी कल एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि जितने चोर हैं उन्होंने एक ठग बंधन किया है, वो लोग नरेंद्र मोदी जी को रोकना चाहते हैं और मैं देश की जनता से, आजमगढ़ की जनता से अपील करता हूं कि मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएं। अपने लिए नहीं कहा लेकिन मोदी जी को कहा। निरहुआ का जो मूल काम है उस मूल काम में भी गाली देना, धमकी देना, गोली चलाना, फाइटिंग करना, मारपीट करना, यही तो है सिनेमा में। तो फिल्मों का एक किरदार है, तो फिल्मों का एक किरदार है, तो वो जिस पार्टी में गया है उस पार्टी के नेताओं का भी यही किरदार है। जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके मोदी जी विपक्ष के लोगों को मिलावटी और महामिलावटी कहते हैं, 36 दलों का उनका गठबंधन है वो मिलावटी नहीं है, 3 दलों का गठबंधन है वो मिलावटी है, तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कौन करता है? लड़ाई अली और बजरंगबली के बीच में है, ये योगी जी कहते हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी किया, उन्होंने अपना जवाब भी दिया रिटर्न में, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं कहूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब तक आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप किसके किसके ऊपर लगा है? प्रधानमंत्री जी के ऊपर लगा है जो उन्होंने शक्ति का परीक्षण किया था, मुख्यमंत्री जी के ऊपर लगा है जो उन्होंने अली और बजरंगबली का नाम लिया, तो आचार संहिता के उल्लंघन का काम तो यही लोग कर रहे हैं। मायावती जी ने भी तो कहा, जो आपके गठबंधन में शीर्ष नेता हैं उन्होंने कहा कि अली भी हमारे हैं, बजरंगबली भी हमारे। उन्होंने कोट किया है योगी जी की बात को, उन्होंने कोट किया कि भाई हमारे भी, हमारे बजरंगबली भी हैं और हमारे अली भी हैं, और कोई भी सेकुलर आदमी हिंदू मुसलमान में बांट करके देवी देवताओं को नहीं देखता है। देवी देवता सारे लोगों के लिए पूजनीय है, आदरणीय है, सब लोग शीश नवाते हैं, सब लोग उनसे आशीष मांगते हैं, दुआ मांगते हैं, लेकिन चुनाव में इस तरह की बातें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं। तो बहन मायावती जी ने कहा है कि अली भी हमारे हैं, बजरंग बली भी हमारे हैं, तो सही कहा है। निरहुआ जी ने एक और सनसनीखेज आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी वंशवाद परिवारवाद की पार्टी है, कभी बाप राज किया, चाचा राज किया, बेटा कर रहा है, कल को भांजे और भतीजे करेंगे। अब देखिए, जहाँ तक नेताजी के परिवार का मामला है, नेताजी के परिवार में आया हुआ हर व्यक्ति संघर्षों से राजनीति में आया है, कोई सीधे सीधे थोपा नहीं गया, आंदोलन में हिस्सेदारी किया है, संघर्षों में लोग गए हैं,
लंबे समय तक विद्यार्थी जीवन से राजनीति में रहे हैं, तब कहीं जाकर के उनको चुनाव। संघर्ष तो आम जनता भी करते हैं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक भी करते हैं, तो मौका, फिर उनमें से मौका क्यों नहीं? मौका मिलता है, मेरे जैसे आदमी को मौका मिला है दो दो बार चुनाव लड़ने का, तो ऐसा कैसे खा जा सकता मौका नहीं मिलता है। और निरहुआ की एक बात बता दूं कि निरहुआ के पिताजी बहुत अच्छी विराह गाते थे, उसका बड़ा भाई विजय लाल यादव अभी परसों हमारे सम्मेलन में मुबारकपुर विधानसभा का सम्मेलन हमने जहानागंज में किया था 12 तारीख को, उसमें उसका बड़ा भाई आया था अखिलेश जी के समर्थन में, तो वह भी विराह गायक है। और आज निरहुआ का बहनोई हमसे मिला था, वह भी विराह का गायक है। तो होता यही है, परिवार कलाकारों से भरा, कलाकारों से भरा हुआ है। तो होता यही है कि जो लोग राजनीति में होते हैं उनके परिवार के लोग राजनीति में जाते हैं, या जिसके परिवार में जो चीज़ें विरासत में मिली होती हैं, हर कोई अपने माँ बाप में ही तो अपना आदर्श खोजता है। तो नेताजी के लड़के, यानी आपके कहने का मतलब है चपरासी का बेटा चपरासी, चोर का बेटा चोर, पुलिस का बेटा पुलिस, बदलाव नहीं होना चाहिए? जी नहीं, ये प्रतिभा का प्रश्न है, ये प्रतिभा का प्रश्न है और परिस्थितियों से ये लोग होते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं गरीब का बेटा हूँ, संघर्षों से मेरी कहानी शुरू हुई थी, आज जो भी मुकाम है मेरा संघर्षों की बदौलत है, और मुझे एक मौका मिला है, राजा बनने का अधिकार सिर्फ परिवारवाद या वंशवाद वालों को नहीं है, तो फिर समस्या क्या है? अगर वो कहता है व्यक्ति कि अब राजा की कुर्सी पे मैं भी बैठूंगा, तो समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं, कोई उसको लड़ने से तो रोक नहीं रहा है, ना उसकी हम निंदा कर रहे हैं, हम तो उसके मुकाबले की बात कर रहे हैं। जो परिस्थितियां हैं उस मुकाबले में जहां वो खड़ा है उसकी चर्चा आप कर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा, हम लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं और हम भी चाहते हैं कि हर आदमी को प्रयास करना चाहिए राजनीति में आगे बढ़ने के लिए, सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, प्रशासनिक सेवाओं में आगे बढ़ने के लिए, कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। सबको मौका मिलना चाहिए और सबको अवसर मिलना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जनता उसको खराब मान रही है। जो मौजूदा परिस्थिति पर आप बात कर रहे हैं निरहुआ और आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे में, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ आपसे कि हर आदमी अपने माँ बाप में अपना आदर्श खोजता है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल। और अगर नेताजी हिंदुस्तान के विभाग रूप से बड़े नेता हैं और बहुत संघर्षों से आए हैं, तो अखिलेश यादव जी ने उनके रास्ते को अगर अपनाया है तो अच्छा काम किया है। तो निरहुआ ने जो वंशवाद का आरोप लगाया है उस पर मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पास दर्जनों ऐसे नेता हैं जिनकी संतानें आज राजनीति में हैं। राजनाथ सिंह के बेटे राजनीति में हैं, विधायक हैं। कल्याण सिंह साहब पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके लड़के राजवीर सिंह साहब सांसद भी हैं और उनके पोते संदीप सिंह योगी सरकार में मंत्री हैं। पंकजा मुंडे हैं, गोपीनाथ मुंडे की पुत्री हैं। इसी तरह से देखिए राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सुपुत्र दुष्यंत राजे भी सांसद हैं। कहीं वंशवाद हर तरफ। भारतीय जनता पार्टी के अंदर दर्जनों नेताओं के बेटी बेटा आज सांसद और विधायक और मंत्री की कुर्सियों पर विराजमान है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो कोई हक नहीं बनता है कि वो किसी के ऊपर वंशवाद का आरोप लगाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समझती है कि सब कुछ करने का हक उसी को है, किसी दूसरे को नहीं है। यह दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी की। तो निरहुआ ने जो आरोप लगाया है उसके आरोप का कोई मतलब नहीं। निश्चित रूप से नेताजी के परिवार के जितने लोग भी राजनीति में हैं, सब लोग स्थापित हैं और जनता ने सबको स्वीकार कर लिया है, कोई जबरदस्ती थोपा नहीं गया है। मेरे ख्याल से चौथी बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं धर्मेंद्र यादव जी। एक मुद्दा बनाया जा रहा है बार बार लोकेलिटी का। कहा यह जा रहा है कि 2014 के इलेक्शंस में आम चुनाव में मुलायम सिंह यादव जी यहाँ से चुनाव जीते थे, उसके बाद जिले में उनका कभी दर्शन नहीं हुआ। एक दो बार आए सठियाँ चीनी मिल के उद्घाटन में आए, या फिर एक बार और आना हुआ था उनका। उसके बाद से अगर अखिलेश यादव जी जीत के जाएंगे, एक बड़े नेता हैं और घर उनका मैनपुरी में है, हो सकता है कि यहाँ कम आना हो। तो लोकल का एक मुद्दा बनाया जा रहा है। निरहुआ ने कहा कि मैं अगर जीता तो फिल्म इंडस्ट्री के काम छोड़ दूंगा। उस व्यक्ति ने दावा किया मैं काम छोड़ दूंगा, आजमगढ़ में रहूंगा। चुनाव है, सारे लोग त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब अवसर मिलता है तब फर्क होती है कि कौन। जब निरहुआ के आदर्श मोदी जी ने 2014 में जो घोषणा पत्र जारी किया था, किसी वादे को पूरा नहीं किया, तो हम निरहुआ पे क्या चर्चा कर सकते हैं। रह गया जो पूछ रहे हैं आप कि आजमगढ़ से बाहर का उम्मीदवार लोकलिटी का प्रश्न खड़ा है या हो रहा है, उसके बारे में हमारा कहना है कि नेताजी यहाँ से सांसद थे और नेताजी का लगातार अपने राजनीतिक जीवन में आजमगढ़ के लोगों से संबंध रहा है और आजमगढ़ के विकास में उनका बड़ा योगदान रहा है। जो कुछ आजमगढ़ में दिखाई दे रहा है, मैं दोबारा उसको क्या नाम गिनाऊँ आपको, सारी चीज़ें हैं वो सब नेताजी की देन है। उसी तरीके से पिछली बार नेताजी यहाँ से सांसद रहे तो तमाम नए नए विकास के काम
समाजवादी सरकार में आओगे, अपने काम धाम के माध्यम से, अपने संदेश के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से, नेताजी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रोज बरोज आजमगढ़ के लोगों के दिलों में रहते हैं, आजमगढ़ में रहते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि सांसद आपके ही घर में रहे। ये जो लोग कह रहे हैं उनको समझना चाहिए कि सांसद की जो जिम्मेदारी होती है उसका निर्वहन नेताजी ने किया कि नहीं किया। 450 करोड़ की चीनी मिल सठिया में स्थापित हुई, आपका कृषि विश्वविद्यालय का कैंपस यहाँ खुला, हर तहसील केंद्रों पर 132 केवी का बिजली घर खुला, हमारे यहाँ मुबारकपुर में रोडवेज खुला, 12 करोड़ रुपये का विपणन केंद्र खुला, पराग डेयरी की इकाई अतरौलिया में डाली गई, तमाम इस तरह की योजनाएं नेताजी के सांसद बनने के बाद ही फलीभूत हुई हैं। तो इस तरह की बातें कहना, आजमगढ़ में जो कुछ भी विकास है वह समाजवादी पार्टी का है, उनके नेताओं का है। समाजवाद, आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, काफ़ी करीब रहते हैं लोगों की मूलभूत समस्याएं क्या हैं, लोगों की ज़रूरत किन चीज़ों की है, इन सब मुद्दों पर ना चर्चा करके बजरंग बली अली, अखिलेश बनाम नेता बनाम अभिनेता, दूसरे मुद्दों पर जनता को भटकाया जा रहा है। असल मुद्दे क्या हैं जिसपे समाजवादी पार्टी आजमगढ़ से चुनाव लड़ी? मैंने जब से होश संभाला है राजनीति में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मूल जो जनता के मूल मुद्दे हैं उस पर से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, मूल मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रहा। कष्ट ये है, देखिए जब सत्ताधारी दल सांप्रदायिकता का सहारा लेता है या मुख्य मुद्दे से हट करके राजनीतिक फिजा बनाने में कोशिश करता है तो ज़्यादा नुकसान करता है। इसलिए सत्ता में बैठे हुए लोग हैं तो जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोजगार, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, इन सारे क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी फेल रही, कोई काम उसने नहीं किया है। इसलिए मुख्य मुद्दे से अलग हट करके वह अली, बजरंग बली, तलाक या दूसरे तीसरे या 370 बातें इसलिए हो रही कि एक अभी जानी करके आए हैं, उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और शिवपाल यादव के काफी करीबी, पहले भी थे आज भी थे, लगातार अखिलेश यादव के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। मैंने उनके साथ एक डिबेट भी किया था, आजमगढ़ का सांसद कौन, उसमें भी उन्होंने अखिलेश के खिलाफ लगातार जहर उगला है, क्या सोचते हैं उनको लेकर? कुछ लोगों के लिए चुनाव त्यौहार के रूप में होता है और अपने अपने ढंग से सब लोग इस नजरिए को देखते हैं। अमित जानी के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, अमित जानी आजमगढ़ में कोई जानने वाला भी नहीं है जानी को, अब वो किसका जानी है वो जानी जाने, उसके जो आरोप हैं वो निराधार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उसको फेल रही है। देखिए हम मूल बातें बता रहे हैं, कहा था मोदी जी ने कि हम किसानों की आय दोगुना करेंगे, 325 रुपये में एक नलकूप की बिजली की बिल आती थी, आज 800 से ऊपर बिजली की बिल है। यूरिया की बोरी पहले 325 रुपए की आती थी, इस समय 400 से ऊपर है। यूरिया की बोरी में प्रति बोरी 5 किलो खाद कम कर दी गई, कटौती हुई, बिजली का दाम बढ़ा, खाद का दाम बढ़ा, नहरों में पानी, जब समाजवादी क्या पार्टी की सरकार थी तो नलकूप और नहरों पर पानी रहता था, आज जब रोपाई का सीजन था तो नहरों में पानी नहीं था, जब सिंचाई का सीजन था तो नहरों में पानी नहीं था, अब फसलों की कटाई का सीजन है तो नहरों में पानी है। तो बिजली पानी की समस्या के बारे में कभी ये सरकार सोचा ही नहीं। रोजगार के बारे में 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौजवानों को रोजगार देने की बात किया था मोदी जी ने, और इन 5 सालों में कोई सरकारी नौकरी का मौका नहीं मिला नौजवानों को, काला धन वापस लाने के लिए कहे थे, काला धन का कोई पता नहीं चला। और इसी तरीके से कह रहे हैं कि 5 साल में हमने जमीन तैयार कर ली, 5 साल और मौका मिलेगा तो जो वादे थे वो अपने आप जनता को पूरा होते हुए दिखेंगे। अब देखिए अच्छे दिन वाली बात तो अब चली गई है, अच्छे दिनों वाली बात अब चली गई। सवाल लूंगा आपसे, 12 मई करीब आ रहा है, अखिलेश यादव 18 को नामांकन करने आ रहे हैं, रमाकांत यादव ने समर्थन दे दिया है, क्या सोचते हैं इन सारे समीकरणों को लेकर? सारे समीकरणों को लेकर के सोचते हैं, मेरे ख्याल से लगभग 80% मतदाता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पक्ष में वोट करेंगे और बहुत बड़े मार्जिन से हमारी जीत होने जा रही है। इतिहास बनेगा, रिकॉर्ड बनेगा, जरूर इतिहास बनेगा।
इतिहास बनेगा, आजमगढ़ से इस बार इतिहास बनेगा और प्रदेश में सबसे बड़ी जीत आजमगढ़ से होगी। हमारे बगल में वाराणसी से प्रधानमंत्री महोदय भी चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार निश्चित है। छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा, वहां से सेना से बर्खास्त किए गए एक जवान तेज बहादुर जी लड़ रहे हैं चुनाव, क्या सोचते हैं उस चुनाव को लेकर के? अब हम बता तो नहीं सकते तेज बहादुर कितना मुकाबला उनको दे पा रहे हैं, लेकिन जनता वहाँ मुकाबला, सेना की जब बात आती है तो पूरे देश की जनता एक तरफा होकर के सोचती है। देखिए, भारतीय सेना के लिए पूरे देश के अंदर सम्मान है जी। और सेना पर टीका टिप्पणी करने का काम ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आपको मालूम हुआ कि मोदी जी ने, मैं ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि मोदी की सेना, जिसके लिए उनको चुनाव आयोग के सामने पेश होना पड़ा जी। तो सेना तो सबके लिए, और हमारी सेना हारी कब है? आज के पहले भी चाइना के साथ वार हुआ है, पाकिस्तान के साथ हुआ है, कारगिल में हुआ है, तो हमेशा तो हमारी सेना जीती है और हम अपने सेना के शौर्य की हमेशा प्रशंसा किए हैं। तो सेना तो भारत देश की है, वह किसी पार्टी या किसी दल या किसी व्यक्ति की तो है नहीं, या किसी प्रधानमंत्री की है। तो इस तरह की सोच सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास और किसी के पास नहीं है। सेना सबकी है, सब लोग सेना का सम्मान करते हैं। सेना सबकी है, सब लोग सेना का सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए। सेना को राजनीति से दूर रखना चाहिए, ऐसा कहना है अखिलेश यादव जी का। तो ये थे अखिलेश यादव जी, जिनके विचारों को आपने सुना। 18 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आ रहे हैं नामांकन करने, और एक जनसभा भी आयोजित की जाएगी उसी दिन, और 2 लाख से ज़्यादा की भीड़ जुटने की आशंका है। अखिलेश यादव जी ने बातों बातों में हमसे कहा कि बस एक जीत के जो मतों का जो अंतर होगा, रिकॉर्ड होगा, बस उसे गिनने की देरी है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनता के मन में आक्रोश यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव जैसे कद्दावर नेता के सामने एक कम अनुभवी या राजनीति से कोई सरोकार नहीं रखने वाले एक अभिनेता को उतार दिया है, पूरी तरह से फिसड्डी साबित होंगे। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में आक्रोश है कि हो सकता बेहतर होता अगर मोदी जी चुनाव लड़ते, योगी जी चुनाव लड़ते, ऐसा कहना अखिलेश यादव जी का। आप आए सर, हमसे बात किया, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।